हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वजन और उसकी इकाइयों वेट एंड इट्स यूनिट्स के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। गोलू बाजार में सेब खरीदने आया है। पहले वो बब्बन के फ्रूट स्टॉल पर गया। बब्बन, मुझे 50 रुपए के सेब दे दो, गोलू ने बब्बन से कहा। बब्बन ने अपने वजन कांटे पर इस तरह से कुछ सेब रख दिए। गोलू, 50 रुपए में तुम्हें 1000 ग्राम सेब मिलेंगे, बब्बन ने गोलू से कहा। 1000 ग्राम? इतने सारे सेब? गोलू सोचकर उत्साहित हो गया। उसने झट से बब्बन को 50 रुपए दे दिए और अपने सेब लेकर मार्केट में और खरीदारी करने लगा। कुछ देर बाद गोलू ने सोचा, मुझे केवल 50 रुपए में इतने सारे सेब मिल गए, चलो मैं और 50 रुपए के सेब खरीद लेता हूँ। ये सोचकर गोलू उसके बगल में लगे बन्नी के फ्रूट स्टॉल पर पहुंच गया। बन्नी, मुझे 50 रुपए के सेब दे दो, गोलू ने बन्नी से कहा। बन्नी ने उसके इस तरह के वजन कांटे की एक तश्तरी में 1-1 किलो का वजन रखा और दूसरी तश्तरी में सेब तोलने लगा, जब तक दोनों तश्तरियां समान तल पर नहीं आ गईं। फिर बन्नी ने गोलू से कहा, ये लो गोलू, तुम्हारे 50 रुपए के 1 किलो सेब। गोलू बन्नी पर भड़क कर बोला, ये तो सरासर लूट है बन्नी, बब्बन के फ्रूट स्टॉल पर तो मुझे 50 रुपए में पूरे 1000 ग्राम सेब मिले और तुम मुझे 50 रुपए में केवल 1 किलो सेब ही दे रहे हो। 1 तो 1000 से बहुत छोटा होता है, फिर भी तुम मुझे समान दाम में कम सेब कैसे दे सकते हो, हाँ? बन्नी ने हंसकर गोलू से कहा, अरे शांत हो जाओ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो बब्बन ने तुम्हें 1000 ग्राम सेब दिए और गोलू, 1000 ग्राम कितने किलो के बराबर है? अरे हम 1 किलो के। अच्छा, इसका मतलब तुमने और बब्बन ने मुझे बिल्कुल समान वजन के सेब दिए हैं? बिल्कुल ठीक। याद रखना गोलू, जब भी तुम्हें कोई भी वस्तुओं के वजन की तुलना करनी हो तो पहले तुम उनके वजन को समान इकाइयों में लिख लेना, उसके बाद ही तुम उनकी तुलना सही तरह से कर पाओगे। गोलू को बन्नी की बात समझ आ गई और वो बन्नी से सेब खरीद कर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। बच्चों, इस वीडियो में हमने वजन और उसकी इकाइयों वेट एंड इट्स यूनिट्स से संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखा।